हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त। उम्मीद है पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया चल रही होगी। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं एग्जिट एग्जाम को लेकर के, काफी सारी बातें इसमें हैं। टुकड़े टुकड़े में बच्चे पूछते रहते हैं, सबको पता है एग्जिट एग्जाम के बारे में, काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन बहुत सारे सवाल, 11 सवाल हैं कम से कम, हो सकता है कुछ बच्चों के और भी ज्यादा हों। ठीक है, तो सवाल देख रहे हो, क्या 2022 के पास आउट स्टूडेंट्स को एग्जाम देना होगा? यानी कि अब 2022 चल रहा है, ठीक है ना, और जो बच्चे अभी एग्जाम दे चुके हैं फाइनल ईयर का, अब ट्रेनिंग वगैरह होगी उनकी, उसके बाद क्या उनको ये एग्जाम देना पड़ेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, दूसरा, क्या 2023 के पास आउट स्टूडेंट्स को एग्जाम देना होगा? तो इसके आंसर में बच्चे कहेंगे, सर ये तो कैसा सवाल है, तो देना ही होगा। तो यस, यहां पर ये सवाल इनको देना, मतलब सवाल बोल रहा हूं, एग्जाम इनको देना होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो यहां मेरे को डिस्कस करनी है। 2023 के बच्चे एकदम अलर्ट हो जाएं, ठीक है, बिल्कुल भी इस, क्योंकि जो इसका आंसर आएगा ना, क्या इसको देना होगा नहीं देना होगा, उसके आंसर से कुछ 2023 के बच्चे निश्चिंत हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल निश्चिंत ना रहे। और एक बहुत बड़ी विडंबना होने वाली है, ये जो आपका 10वें नंबर का सवाल है, पेपर किस लैंग्वेज में होगा, झटका लगने वाला कुछ लोगों को, जबरदस्त वाला, बात करेंगे, रिलैक्स, पूरा देखना वीडियो, फिर बता रहा हूं मैं 10-15 मिनट 20 मिनट का जो भी होगा, मैं डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है। वीडियो लेंथी होने से फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज लगता है कि पता है फास्ट फॉरवर्ड कर दो वीडियो को, ठीक है। आगे आते हैं, एग्जिट एग्जाम आखिरकार होगा कब, कब होगा? ठीक है, नोटिस वगैरह सब कुछ आ चुका, बड़ा चल रहा है। सिलेबस क्या रहेगा एग्जिट एग्जाम का, सिलेबस क्या रहेगा एग्जिट एग्जाम का? एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे क्वेश्चन? 1 मार्क्स रहेंगे, 2 मार्क्स रहेंगे, थोड़ा सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। कितने घंटे का होगा भाई, कितने घंटे का होगा? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। कितने पेपर होंगे, अब बड़ा सवाल है, कुछ लोगों को पता ही नहीं, पेपर 1 होंगे 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, कितने पेपर होंगे, ठीक है। कितनी बार पेपर दे सकते हो, आपको कितनी बार अलाउ किया जाएगा कि आप ये पेपर दे सकते हो, ठीक है। पास होने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या कंडीशंस हैं जिनके बेस पर आप उसको पास कहलाए जाओगे, ठीक है। पेपर किस लैंग्वेज में होगा, पेपर का लैंग्वेज, मैंने कहा ना ये एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, बच्चों में झटका लगने वाला है। किन बच्चों को झटका लगेगा मैं बताऊंगा उसको मैं। एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है ना, तो ये बड़ा अच्छी चीज है कैसे करनी है एग्जाम, तो इतने सारे सवाल होंगे मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा सवाल होने नहीं चाहिए। तो आओ शुरुआत करते हैं हम लोग, 2022 का पास आउट स्टूडेंट्स के एग्जाम देना होगा या नहीं देना होगा। तो बच्चों देखो, जब नोटिस आ गया था हम लोगों के पास किसका, कि एग्जाम होगा इस टाइप से, और क्या करें आगे करके, बड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बहुत सारा कंफ्यूजन था, क्योंकि देखो जब एक नोटिफिकेशन आ गया कि एग्जाम होगा, तो उसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती है, टीम बनाई जाती है ना, सेंटर बुक किए जाएंगे, कौन कराएगा, खर्चा होता है, मतलब एक पूरी प्रोसेस है लंबी चौड़ी, ये नहीं कि ऐसे किया और ऐसे हो गया, लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। अब वो प्रोसेस में कई बार कुछ अड़चनें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, फाइल्स आगे जाती हैं, पास होते हैं, साइन होते हैं कि ये अथॉरिटी का इंचार्ज है, इनको दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती हैं, टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो अब उस चक्कर में क्या हुआ, जो टाइम लग रहा है, मान लो 5 मिनट लगे 6 मिनट लगे, साल भर का लग जाए नहीं पता, तो अब जो बच्चा पास आउट होकर निकल रहा है वो क्या एग्जाम का वेट करेगा? तो देखो यहां पर एक साफ साफ बोल दिया, यहां पर ये नोटिफिकेशन आ रखा है 2 मार्च 2022 का, बहुत से लोगों ने देख लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए खास ये वीडियो है, ठीक है। क्या है 2 मार्च 2022 का वीडियो, ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या बोल रहा है, सारी बातें बता रहा है, स्पेशली क्लैरिफिकेशन को लेकर के है, किसको लेकर के है, क्लैरिफिकेशन को लेकर के है, क्या कर रहा है ये क्लैरिफिकेशन, क्या क्लैरिफिकेशन है आओ देखें जरा। तो कह रहा है कि ये सब जो हमने नोटिफिकेशन वगैरह निकाल दिया है, जो सेक्शन अंडर 4 डेटेड 24 फरवरी 2022, इसके अंतर्गत जो ये सारी चीजें हमने नोटिफिकेशन वगैरह दे दिए हैं, ठीक है, और जो एग्जिट एग्जाम होगा एज पर द सेड नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन आ रखा है उसके हिसाब से जो एग्जाम होगा, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो क्लैरिफाई क्या कह रहा है कि देखो यहां पर एक बात लिखी हुई है, इन दिस कनेक्शन, जो ये नोटिफिकेशन दे दिया, इट इज क्लैरिफाइड दैट, ये क्लैरिफाई किया जाता है, पीसीआई इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग, पीसीआई इस प्रोसेस को फाइनलाइज करने के उसमें है, प्रोसेस में लगी हुई है, द मोडालिटीज, जो मोड ऑफ कंडक्ट, किस तरह कंडक्ट किया जाएगा, क्या रहेगा, कौन अथॉरिटीज रहेंगी, वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है।
फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। इन सब की तैयारी चल रही है एज पर द सेट नोटिफिकेशन। ये सब प्रोसेस अंडरगोइंग है, चल रही है। टिल देन जब तक ये प्रोसेस चल रही है स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स आर रिक्वेस्टेड। जो स्टेट की फार्मेसी काउंसिल है, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है टू कंटिन्यू द रजिस्टर। वो अपना प्रोसेस रजिस्टर करने का कंटिन्यू रखें, यानी कि बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं उनको रजिस्टर करने के लिए जो प्रोसेस चल रही है वो लगातार जारी रखें। पास आउट स्टूडेंट्स एज पर द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर चल रही थी ऑलरेडी इन वोग, वोग मतलब प्रचलन, जो पहले से प्रचलन है उनको रजिस्टर करने का, वो अपनी प्रचलन को यथास्थिति बनाए रखें, चलाते रहें, सब्जेक्ट टू कॉम्प्लायंस और उसका अनुपालन करें, ठीक है, ऑफ कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 32 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। यानी कि जो पहले प्रोसेस चल रही थी रजिस्टर करने की जो पास आउट स्टूडेंट्स की, वो चलती रहेगी। कब तक? टिल देन, जब तक कि फाइनल ये नहीं हो जाता है। तो बहुत ज्यादा संभावना है इसको देखते हुए, जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं, अगर इनकी प्रोसेस लंबी खिंच जाती है, मान लो नवंबर दिसंबर से चला जाता है, तो 2022 के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार को एग्जाम देना ना पड़े, पहली चीज, अगर इनकी प्रोसेस बहुत लंबी खींचती है। मान लो 1-2 महीने के अंदर ये लोग प्रोसेस डाल देते हैं, मतलब सारा कुछ इनका कंप्लीट हो जाता है, तो एक संभावना अलग हो सकती है, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। अब मैं यही कह रहा था, इसको देख के कोई ये ना बच्चे ना कहे फर्स्ट ईयर वाले, मतलब जो अगले साल पास आउट होंगे, अरे वो है लंबा लगेगा, अगले साल भी नहीं हो पाएगा, ये वो करके, और वो तैयारी ना करें, बिल्कुल गलत। तैयारी अभी से शुरू कर दें जो 2023 में पास आउट होंगे। कहीं ना कहीं रिलैक्स है ये 2022 के बच्चों के लिए, एक तरह से कि अगर इनकी प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है तो उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा, उसके ऊपर भी आगे नोटिफिकेशन आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कि इनकी प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन ध्यान रखना, अभी जो बच्चे जस्ट एग्जाम हुए हैं अभी, है ना, एग्जाम हुए हैं, और पूरी ऑल ओवर इंडिया में थोड़ा अलग अलग सिस्टम चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है थोड़ा सा, कहीं पे एग्जाम आगे पीछे हुए हैं थोड़े से, तो अब ये है सिस्टम, अब आगे क्या नोटिफिकेशन आता है तो वो डिपेंड करेगा। तो फिलहाल तो इसके हिसाब से तो यही लगता है कि अगर प्रोसेस में टाइम लग जाता है अगले 5-6 महीने का और इनको पूरा करने में, तो 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं पास आउट, उनको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हुई, खुशी आई थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी एक तरीके से क्या है, बिल्कुल रिलैक्स ना हो, क्योंकि अभी क्या फर्दर नोटिफिकेशन आता है तब तक कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आराम से बैठे, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि 2022 के बच्चों को देना कि नहीं देना, या पहले जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन रह गया है 2022 से पहले, वो निश्चिंत होकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाएं, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, चलें आगे। तो अब अगला सवाल जैसे जो था हमारे पास, क्या था अगला सवाल, 2023 के स्टूडेंट को देना नहीं पड़ेगा, तो भाई देना पड़ेगा, है ना, इतना लंबा प्रोसेस नहीं लगेगा, सब चीजें प्रोसेस चल रही है, हम कह रहे हद से हद ये साल बच जाएगी किसी तरीके से, अगले साल नहीं बचेगी, तो तैयारी करने में जुट जाओ, ठीक है। आगे आते हैं, अब कई सारे सवाल हैं, एग्जिट एग्जाम कब होगा, ये डाउट क्लियर, ठीक है, कब होगा ये वाला डाउट हमारा क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, 3 पॉइंट क्लियर। एग्जिट एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने घंटे का होगा, कितने पेपर होंगे, कितनी बार पेपर दे सकते हैं, अब ये सारे सवाल एक साथ लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो नोटिफिकेशन में निकला हुआ है। तो आगे आते हैं, तो देखो ये नोटिफिकेशन कोई और नहीं है, ये वही नोटिफिकेशन है जो निकला हुआ था, ठीक है, कब निकला हुआ ये, कब का है ये, कहाँ गया, हाँ 24 फरवरी 2022, ठीक है, 24 फरवरी, है ना, फरवरी 24 का निकला हुआ है 2022 का। तो देखें जा रहा है इसमें कुछ बातें हैं, हिंदी वाले से ऊपर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तमाम बातें हैं कि क्या डेफिनेशन है, क्यों ऐसा सब कुछ हुआ, तमाम सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। बात करते हैं कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्यों लाया गया ये, है ना, तो लाने का मेन उद्देश्य यही है, जब इसको तुम लोग पढ़ोगे तो लाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो एक प्रचलन चल रहा था, है ना, कॉलेज जो घर बैठे बच्चे लोग डिप्लोमा ले रहे थे, या एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ पा रही थी, ठीक है, और यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे कहीं ना कहीं हैं कि बिना पढ़े या किसी तरीके से डिप्लोमा अब तक मिल जा रहा था या जो भी कुछ कंडीशंस हो रही थी, तो अब वो खतरा है वहां पर। यानी कि अब अगर आप डी फार्मा करके निकलोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े नहीं निकल पाओगे, मतलब आपके पास नॉलेज होगी, तो यही एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जब इसको पढ़ोगे तो ये सारी बातें यहां समझ में आएंगी, क्लियर है। नाउ बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, खैर हमारा क्वेश्चन भी नहीं था, बात हमारा क्वेश्चन किसका था, फ्रीक्वेंसी का,
कितनी बार पेपर होगा या कितनी बार पेपर दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द डिटेल रिगार्डिंग द स्कीम ऑफ कंडक्टिंग द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन एंड द सिलेबस ऑफ द टेस्ट शैल बी अनाउंस्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी उसकी डिटेलिंग है किसको लेकर के, सिलेबस को लेकर के या टेस्ट कैसे कंडक्ट होंगे, वो टाइम टू टाइम अपना नोटिफिकेशन देता रहेगा। ठीक है, द कैंडिडेट मे अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहां से समझो, कैंडिडेट मे अपियर फॉर द एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर। साल में दो बार दे सकता है बच्चा, अगर एक में फेल हो गया पहले वाले में नहीं हो पाया किसी, तो अगली बार दे सकता है। साल में दो बार होंगे तो दोनों बार दे सकता है। और एज फ्रिक्वेंटली मे बी रिक्वायर्ड एज पर द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन अनाउंस बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। ये तो इसने बोल दिया कि दो बार दे सकता है, वो कह रहा है या फिर जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जिनको अथॉरिटी दे दी जाएगी एग्जाम कराने की, वो कितनी बार कराते हैं या उनके हिसाब से आप कितनी बार दे सकते हो, तो वो फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट शैल बी इन अकॉर्डिंग विद द स्कीम अनाउंस्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। है ना, जो भी इसका स्कीम वगैरह रहेगा वो पीसीआई देती रहेगी। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड द एग्जामिनेशन सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स, बच्चों सेंटर पढ़ेंगे आप लोगों के बकायदा, विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान रखो, जब आप एक बार कॉलेज से बाहर निकल जाओगे, ना कॉलेज वालों का आपसे मतलब है, ना आपको कॉलेज वालों से मतलब है। आप कॉलेज वालों का पेमेंट दे चुके हो, उसके बाद कॉलेज वाला कोई भी किसी भी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप, यानी कि आप सोचो ना कि कहीं से कोई हेल्प वगैरह जैसे बच्चे सोचते करके, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। आपके बकायदा सेंटर पढ़ेंगे और सेंटर पढ़ के आप उस सेंटर में जाएंगे। आप सेंटर किस हिसाब से होंगे, कहाँ होंगे, हो सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट ही बदल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मुसीबत आ जाएगी उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सेंटर्स अलॉट होंगे। ठीक है, और ये जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जो अथॉरिटी अब बना दी जाएगी, सब नोटिफिकेशन आएगा आगे, सब चल रहा काम, उसके हिसाब से सारा काम होने वाला है। ओके, अब उसके बाद तो यहां पर कुछ है नहीं। अब प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग इसकी बात कर लें। नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट अनलेस ही हैज पास्ड द डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, वही सब बता रहा है, जब तक पास नहीं करोगे तब तक रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा। अब आते हैं अपने मतलब की चीज, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन, इसका क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर में मतलब पेपर क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे वगैरह वगैरह। देयर शैल बी थ्री पेपर्स, स्पष्ट बोल दिया है तीन पेपर होंगे। कितने पेपर हैं? और एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होंगे। कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक बात क्लियर होगी ना, वन मार्क्स ना टू मार्क्स ना सब्जेक्टिव, कैसे रहेंगे? एमसीक्यूज रहेंगे। सब्जेक्ट देख लो, और जो लोग अभी सेकंड ईयर में आ चुके हैं उनको फर्स्ट ईयर का सारा सिलेबस पता है, सब्जेक्ट पता है, सेकंड ईयर का भी सारा सब्जेक्ट पता चल चुका होगा। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है ना, तो ये सारे सब्जेक्ट वही सारे सब्जेक्ट हैं, कुछ एक आध कम हो सकते हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट हैं जो तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस क्लियर हो गया, सब्जेक्ट क्या रहेंगे वो क्लियर हो गया, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो क्लियर हो गया, पेपर कितने होंगे, यानी कि टोटल तीन पेपर होंगे, एग्जाम एक पेपर तीन। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये देखो बच्चों, जो मैं बोल रहा था ना, कुछ बच्चों को झटका लगेगा। लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश। ये देखो, यहां पर मैं जरूर चाहूंगा करके, क्योंकि जब आपने हिंदी मीडियम भी रखा हुआ है तो जरूर मतलब पेपर का मीडियम थोड़ा सा हिंदी होना चाहिए, जस्ट मेरा ओपिनियन है ये, क्योंकि जो बच्चा अब तक पूरी तरीके से हिंदी ही पढ़ता चला आया है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मेरा मानना है कि यहां पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी होना चाहिए था, लेकिन 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 बच्चों, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, पेपर आपका इंग्लिश में ही होगा। मैं फिर जोर करके दे रहा हूं, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, पेपर आपका इंग्लिश में होगा। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है अगर उन्हें इंग्लिश को पढ़ने और समझने में दिक्कत है, मैं फिर कह रहा हूं। तो कोशिश ये करना इस बार कि सेकंड ईयर में अपने आप को धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है बच्चों। ये मैं यही कह रहा था जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लैंग्वेज को लेकर के झटका लगने वाला है कुछ बच्चों को, और कुछ क्या ज्यादातर बच्चों को लगेगा जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश में कमांड कम है या किसी अदर लैंग्वेज में पेपर अब तक देते आए हैं तो फंस जाओगे। तो ये जरूर 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 अब से जुट जाओ, कोई इसका नहीं है, कोई समाधान नहीं है, पीसीआई ने डिसाइड कर दिया तो ऐसा ही होगा। बात समझ में आ रही है? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हेल्प कर सकते हैं आपकी पढ़ने और पढ़ाने में। ठीक है, पेपर की लैंग्वेज मेजर प्रॉब्लम,
जो बच्चे इंग्लिश में दिक्कत है जिन लोगों को। फिर क्या बोल रहा है, टेस्ट फॉर ईच पेपर शैल बी 3 आवर ड्यूरेशन, तीन पेपर होंगे, हर एक पेपर 3-3 घंटे का होगा। शैल बी ईच पेपर है ना, हर एक पेपर का 3-3 घंटे का एक पेपर, हो सकता है एक एक दिन करके 3 दिन में कराएं, जैसे भी कराएं वो उनकी मर्जी, अभी ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो 3 घंटे का एक पेपर होगा, उनमें से इन सब्जेक्ट्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये जो रहा है तुम्हारी एग्जिट एग्जाम की, आसान नहीं होगी। एग्जिट एग्जाम आसान नहीं होगा उन बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं रहे हैं, क्लियर है? तो मैं स्पेसिफाई करना चाहता और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत की है, प्लस थोड़ा जरूरी समझा। मेहनत तो खैर बात की बात है, हम तो टीचर हैं, मेहनत आप लोगों के लिए करेंगे, जरूरी है ये बच्चा समझ जाए इसको, खासकर 2023 जो बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल भी लीनियंसी या ढिलाई ना बरतें, ठीक है? अब आगे आते हैं, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये, कह रहा है कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड ओनली इफ, पास उसे तभी माना जाएगा एग्जिट एग्जामिनेशन में, 50% मार्क्स इन ईच पेपर, तीन पेपर होंगे, तीनों पेपर में जितने भी नंबर का होगा, है ना, 3 घंटे का है तो मान के चलो कम से कम 100-100 क्वेश्चन या 150-150 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, तो उसमें 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं, और तीनों में लाने अलग अलग, तीनों पेपर में कम से कम 50% लाने हैं, आधे आधे नंबर लेके आने, तभी पास माने जाओगे। मान लो 2 में पास हो गए, 1 में फेल हो, तो आप फेल ही माने जाओगे, फिर आपको अगला पेपर देना होंगे तीनों, और तीनों में एक साथ पास करना है, अलग अलग पास नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? अ कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल द 3 पेपर इन द सेम अटेम्प्ट। मान लो साल में 2 बार हो रहा है, तो पहली बार दिया उसमें 2 में रहेगा, 1 में नहीं कर पाए पास, तो आप फेल माने जाओगे, आपको फिर दोबारा से अगला अटेम्प्ट देना है, उसमें तीनों पेपर फिर दे रहे हैं, यानी कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक पेपर की वजह से भी अगर रह गए तो 2 पेपर वापस से देने पड़ेंगे अगली बार, बिना पढ़ाई के काम नहीं चलेगा, ठीक है? अब क्या कह रहा है, देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। अब ऐसा हो सकता है बच्चा कुछ पढ़ाई में वीक हो, कमजोर हो, जैसे कि मान लो जैसे मैंने बताया कि बच्चे इंग्लिश से हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट होंगे, तो हो सकता है पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, नहीं हो पा रहे, तो अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं रखी है। अब बात समझना, यहाँ पे नुकसान क्या होगा, आप 2 साल का कोर्स करके निकल गए, अब एग्जिट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, पहली साल फर्स्ट ईयर नहीं निकल पाए, नहीं निकल पाए, नहीं निकल पाए, ये 3-4 साल आपके खराब हो गए बच्चों। एग्जिट एग्जाम जब तक नहीं निकाल पाओगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर आपका सपना है एक मेडिकल स्टोर खोलने का या मेडिकल स्टोर करके बिजनेस करने का, तो जब तक एग्जिट एग्जाम नहीं निकाल पाओगे तब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हो, या वो लाइसेंस के थ्रू आप जो भी काम करना चाहते हो जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एग्जिट एग्जाम अनलिमिटेड है, करते रहो आप ऐसा नहीं बुढ़ापे है ना, मतलब लिमिट नहीं रखिए, 2 साल 3 साल 4 साल, 1 साल में 2 अटेम्प्ट और दोनों फेल हो गए, फिर अगले साल दो, फिर अगले साल दो, जब तक नहीं कर पाओगे तब तक देना पड़ेगा अटेम्प्ट। बात समझ में आ गई? अब क्या है, उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा आपको, और फिर आप जा करके क्या करा लोगे, रजिस्ट्रेशन करा लोगे। तो ये जो पॉइंट थे बच्चों डिस्कस करना बहुत जरूरी थे, ठीक है ना? क्या क्या मिल गया हमको यहाँ पर, लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। अब देखें जरा यहाँ पर, तो थोड़ा सा वापस आते हैं हम लोग, ये है हमारे पास नंबर 6, हम थोड़ा सा वापस चलते हैं अपने सवालों की तरफ, देखें जरा सवाल क्या क्या थे हमारे पास। ओके, एग्जिट एग्जाम सिलेबस क्या होगा, ये क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हुआ ये, ठीक है, सिलेबस क्लियर हो गया। एग्जिट क्वेश्चन कैसे आएंगे, MCQ आएंगे, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। कितने घंटे का पेपर होगा, 3 पेपर होंगे, ईच पेपर 3-3 घंटे के, हर एक पेपर 3-3 घंटे का होगा। कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे। कितनी बार पेपर दे सकते हैं, अनलिमिटेड है, अगर आप पास नहीं कर सकते तो अनलिमिटेड का, इतने बार देते रहो। पास होने का क्राइटेरिया क्या है, मैंने बताया हर एक पेपर में 50% मार्क्स लाने होंगे, तीनों में अलग अलग। पेपर किस लैंग्वेज में होगा, तो मैं पहले बता रहा था बच्चों शुरुआत में कि ये वाला पॉइंट आपको झटका देगा, ठीक है, पेपर सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। अब एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है, ये एक सवाल है कि एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन करने का तरीका तो बच्चों यही है अभी फिलहाल, तो इसका भी बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं, ठीक है, और ये वाला सवाल आज क्वेश्चन मार्क में रह जाएगा।
इसका मैं आंसर के साथ आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो कैसे तैयारी करें एक या दो दिन के अंदर, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा कि एग्जिट एग्जाम की तैयारी अभी से कैसे करना शुरू करें, खास करके 2023 के पास आउट होने वाले बच्चे इसका खास ध्यान दें। क्लियर है? मेरे ख्याल से सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो जिन बच्चों को भी, जैसे जो बच्चे ये वाले हैं, इनको थोड़ा सा डरने की जरूरत है, बट डर के आगे जीत होती है ना, डर के आगे जीत होती है। इतना ना डरना कि हाय अब हम क्या करेंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अपने सिलेबस पे कमांड करना अभी से शुरू करें। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर डिटेल एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो, वैसे तो सिलेबस से ही आएगा क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, भबड़ाना नहीं है। एग्जिट एग्जाम की तैयारी या प्रिपरेशन कैसे करें, तो बिल्कुल ना डरें, है ना, डोंट फियर, माइंड नर्चर इज हेयर। सब तैयारी कराऊंगा मैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो घर पे, ठीक है, कुछ नहीं करना। और बुक्स, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं बुक्स का कि बुक्स सर बुक्स कौन सी लें, तो बुक्स को लेकर के मैं कुछ बात क्लियर करना चाहूंगा। बुक्स के ऊपर भी एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा मैं बता दूं मैं, ठीक है। तो बुक्स को लेकर के क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूं, बच्चे देखो, जो बुक्स है ना, बुक्स का एक जो एक होती है रेफरेंस बुक, जिसके अंदर पूरा फुल डिटेल्स होती है, जो किसी एक राइटर की होती है। जैसे कि अभी आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो तो समझते होगे, जो एक पर्टिकुलर राइटर की होती है, ठीक है ना, राइटर जैसे कि मान लो KD त्रिपाठी जी हैं, उनकी उन्होंने फार्माकोलॉजी लिखी हुई है, पूरा पूरा लिपिन कॉट है, उन्होंने फार्माकोलॉजी लिखी हुई है, तो पूरी पूरी बुक्स है, वो रेफरेंस बुक कहलाती हैं बच्चों। और ये बुक अगर आप एक एक सब्जेक्ट की लोगे तो बहुत कॉस्टली होती है, ये कोई 1500 की है, कोई 2000 की है, कोई 1000 की है। अब डी फार्मा में क्या है, उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिलेबस को तोड़ दिया गया कि आप इतनी इतनी चीजें ही पढ़ेंगे, बस इसका एडवांटेज पढ़ लो, इसका स्ट्रक्चर पढ़ लो, इसका ये पढ़ लो। तो इन रेफरेंस बुक को तो आप परचेज ना कीजिएगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इतना इसमें लैंग्वेज थोड़ी टफ रहती है, ठीक है। तो अब क्या रहता है, इसका सोल्यूशन क्या आ गया मार्केट में, कुछ पब्लिकेशन है उन्होंने क्या कर दिया है, जो सिलेबस के हिसाब से ना अपनी बुक्स निकाल दी है, ठीक है। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वरना आप लोग कहोगे करके कि मैं किसी प्रकाशन की, जिसको आप लोग प्रचलन चल रहा है, जिसको आपके टीचर कहते हो या जो आपको सही लगती है, उस पब्लिकेशन में क्या है, इन्हीं रेफरेंस बुक से इन लोगों ने क्या जो कर कुरा के सारी चीजें कंपाइल कर दी हैं। अब जो पब्लिकेशन है, ये पब्लिकेशन को बच्चों में एक चीज बता दूं, ये पब्लिकेशन में जैसे कि डाटा इकट्ठा है, ये सेम वैसा ही है जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं। अब मान लो मेरे सारे नोट्स कंपाइल कर दिए जाए, कंपाइल मतलब सारे नोट्स एक से लेकर सारे चैप्टर तक डाल करके उनको बाइंड करके मैं एक बुक बना दूं, तो बस मेरा भी पब्लिकेशन हो जाएगा, माइंड नर्चर, ठीक है। तो जस्ट पब्लिकेशन भी वैसा ही है, आपको किसकी जरूरत है वही टॉपिक निकाल करके डाल दिए गए हैं, और फिर पब्लिकेशंस को, पब्लिकेशन मतलब मैं अपने अपने पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वो निकाल दी जाती हैं। अब उसमें आपको देखना है, क्योंकि पब्लिकेशन की किताबें तो हम नहीं देखते हैं, इसमें आपको दो तीन चीजें देखनी है। अब एक साल से आप पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ऐसा तो नहीं है किसी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, या किसी में गलतियां बहुत ज्यादा है ना। अगर गलतियां बहुत ज्यादा होंगी, क्या गलत है ना, गलतियां बहुत ज्यादा होंगी तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना बढ़ेंगी। तो ये सब चीजें देखते हुए आपको ये देखना है, डिसाइड करना खुद से, क्योंकि भाई किसी भी पब्लिकेशन की किताब मैंने तो पूरी नहीं पढ़ी, ठीक है, सुना है उनके बारे में बस कि हाँ ये किताबें मार्केट में चल रही है तो ठीक है। बट अगर आप पब्लिकेशन नहीं लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ना लें, सिर्फ मेरे नोट्स और मेरे कॉन्सेप्ट्स को ही फॉलो करते हुए चलें, उससे ही आप लोगों का परफेक्ट काम हो जाएगा। अब इसके आगे मैंने कहा ना, फार्मेसी को आसान करने के लिए अगला जो लेक्चर आएगा उसमें सारी बातें करूंगा मैं, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो पूरी तरीके से आपका एग्जिट एग्जाम भी निकलेगा बहुत अच्छा अच्छा, और डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले जो अब सेकंड ईयर में आ गए हैं तो सेकंड ईयर बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें और डिटेल में हम लोग करेंगे, तो फिलहाल ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। आपके दोस्त वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, डरे हुए हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, उन्हें एश्योर करें कि निश्चिंत रहें, ये सब चीज़ें होने वाली हैं, अभी तक के जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं। क्लियर है? तो फिर मैं वही कहूंगा जो फर्स्ट ईयर से कहता हुआ आ रहा हूं, रिवाइज करते रहें फर्स्ट ईयर की। एक और चीज, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ लिया उसे अब छोड़ मत देना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, जो 2023 में निकलने वाले हैं। अगर मान लो पूरे साल नहीं पढ़ा तो बिल्कुल दिमाग से उतर जाएगा, वो भूल जाओगे बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? रिवीजन, रिवीजन करते रहो,
और बार बार पढ़ते रहो, और डरना नहीं, डोंट फियर, माइंड नर्चर इज हियर। ओके, ऑल द बेस्ट।